हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज सुबह सुबह ही कांड हो गया। सोचा घर पे दाढ़ी काट लूँ, लेकिन ये देखो कुछ ऊपर नीचे हो गया, ढंग से काटे भी नहीं गए, पैचेस से बन गए, थोड़ा सा जुलूस निकल गया। सो अभी मैं सुबह तो कॉफ़ी पीता हूँ, लेकिन कॉफ़ी है नहीं घर पे। लेकिन देखा तो स्टारबक्स के मैंने बीन्स मंगवा रखे थे काफ़ी टाइम से, और ये मैंने पिसवाए नहीं थे। अभी मैं सोच रहा हूँ मैं इसको ग्राइंड करवा लूँ स्टारबक्स से ही। तो मैं पहले दिखाता हूँ ये कौन से मैं लेके आया था आपको। ये है कीनिया स्टारबक्स मीडियम रोस्ट, और उसकी स्मेल इतनी अच्छी है, और मतलब टेस्ट का पता नहीं, बट स्मेल से पता चला कि टेस्ट इसका बहुत अच्छा होगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ इसको पहले पिसवाने, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह तो बाद में करेंगे, पहले कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कॉफ़ी पिसवाने के बाद कुछ ऐसी लगती है चाय पत्ती जैसी, देखते हैं अब इसका टेस्ट कैसा होता है। सो ये कुछ ऐसा हो गया मेरे ख्याल से, ये तो कुछ अजीब सा ही बन गया, फ्रॉड हो गया गाइस। ये क्या कॉफ़ी है, पहली बार ऐसी देख रहा हूँ मैं। इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है, अभी गया था बाहर, काम हो नहीं पाया, तो अभी शाम को या रात को ही निकलूँगा, क्योंकि इतने ट्रैफिक में बहुत फंस जाता है बंदा। थोड़ा 10 मिनट का रास्ता है, लेकिन 15-20 मिनट आधा घंटा लग जाता है जाने में पूरा। फाइनली बारिश हुई, और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, पर ढंग से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो ह्यूमिडिटी बहुत हो जाती है। सो मैं अभी जा रहा हूँ वापस से सुपरमार्केट कुछ सामान लेने रात के डिनर के लिए। आज मैं नई चीज़ बना रहा हूँ यूट्यूब से देख के, तो देखते हैं कैसा बनता है, क्या बनता है। और कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को डिटॉक्स ड्रिंक वगैरह के लिए भी बनानी है यार। ये देखो यार, क्या कट लग गया यहाँ पे, कितनी गंदी दाढ़ी काटी है, तो फ्रॉड हो गया खुद के साथ ही। तो कुछ सामान है लेके आना है, फिर रात को बनाते हैं खुद घर पर आज नई चीज़ कुछ, देखते हैं, क्योंकि आज तक मैंने कभी वो चीज़ कभी ट्राई भी नहीं किया, मेरे को पता भी नहीं। तो देख के कैसा बनता है वो सब मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ तो है नहीं कुछ काम का, सो मैं आज बना रहा हूँ शाही पनीर। तो उसके लिए जो सामान चाहिए था मैं ले आया था बाहर से, तो सारा कुछ मैं YouTube से देख के बना रहा हूँ। अभी देखते हैं कैसा बनता है कैसे नहीं, पहली बार एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे ले लिया मैंने टमाटर, मिर्ची, लहसुन और प्याज, और ये मैं बाहर से ले आया था शाही पनीर मसाला। इससे पहले मुझे पता नहीं था ये भी डलता है, लेकिन मुझे वहाँ दिख गया तो मैं ये ले आया था। तो अभी इसमें ऑलिव ऑयल डाल दिया, घी में नहीं बना रहा हूँ मैं, ऑलिव ऑयल में बना रहा हूँ। उसके बाद अभी हम इसको पहले जो मसाला है इसको डालेंगे, थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे, उसके बाद इसको निकाल के हम फिर ग्राइंड करेंगे। मुझे लगता है अकेले रह रहा है कि मैं शेफ जरूर बन जाऊंगा एक दिन। गाइस अभी सूत्रों के हवालों से खबर आई है कि इसमें ऑलिव ऑयल नहीं डलता है, इसमें घी डलता है, तो अभी हम दोबारा इसमें घी डाल देंगे थोड़ा सा। तो आज एक और बेजरी वाला काम हो चुका है। मैंने सोचा ये पास्ता है ले आया, लेकिन इसके पीछे मसाला लिखा हुआ था वो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो ऐसे 2 पैकेट ले आया। और ये देखो
पास्ता के नाम पे मसाला ही रह गया, कुछ था ही नहीं। तो बस बेइज्जती का बेइज्जती हो गई, मेरी दाढ़ी ऐसी कट गई उसके बाद। तो ये अभी हो चुका है मेरे ख्याल से हल्का हल्का था। तो गाइज ये पक चुका है अभी मेरे ख्याल से, इसको थोड़ी देर के लिए अभी ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, इसको कर दिया बंद। उसके बाद हम इसको डालेंगे ग्राइंडर में, लेकिन डालेंगे स्टील वाले में, प्लास्टिक वाले में नहीं, स्टील वाले में डालेंगे, क्योंकि ये गर्म होगा थोड़ा सा। तो ये हो गया अभी ठंडा, इसको डालते हैं ग्राइंडर में। ऐसी हो गई अभी, थोड़ी सस्ती सी शाही पनीर लग रही है, क्योंकि वैसा रंग नहीं आया, लेकिन देखते हैं आगे चल के कैसे बनती है। तो अभी इसको डाल देते हैं इसमें। हलवे जैसा लग रहा है। तो ये इसमें मसाला डाल दिया, नमक मिर्च वगैरह, तो थोड़ा सा हिला देते हैं। और शाही पनीर का जो मेन इंग्रेडिएंट है क्रीम, या दूध भी डालते हैं कई लोग, मलाई भी डालते हैं, लेकिन अभी मेरे पास क्रीम पड़ी थी तो मैं ये डाल रहा हूँ फिलहाल। तो इसमें भी जा रही है क्रीम, मुझे नहीं पता कितनी डालती है, अंदाजे से डालता हूँ। तो आज के लिए मैं बन गया हूँ फूड ब्लॉगर। देखो कितना सेक्सी कलर आ गया अब इसमें। तो ये पनीर को पहले अब छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। वैसे तो पता ही होगा सबको कैसे बनता है, मैं तो पहली बार बना रहा हूँ, पर एक बंदे के लिए मेरे को ज़्यादा लग रहा है। चलो कल सुबह भी चल ही जाएगा। तो ये बिल्कुल अपने मकान पे पहुंच गया, और इसमें हम डाल रहे हैं पनीर। पनीर अब कम लग रहा है थोड़ा सा, ग्रेवी ज़्यादा हो गई है, कोई नहीं मिलेगी काफ़ी। सो ये है कुछ फाइनल रिजल्ट शाही पनीर का। तो अभी देखते हैं कैसा बनता है, कैसा नहीं, इसको टेस्ट करके। तो देखता हूँ अभी कैसा है। ये दूध दूध सा लग रहा है, लगता है क्रीम ज़्यादा डल गई, पर ठीक है, सह लेंगे, खा लेंगे। तो अभी मैं करता हूँ डिनर, रोटियाँ भी मैं खुद बनाता हूँ, लेकिन रोटियाँ मैं आपको दिखाऊंगा कभी, और अपनी और ऐसी रोटियाँ बनती हैं कि शायद लड़कियाँ भी कॉम्प्लेक्स खा जाएं।